लुकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों को हकीम एम बासिल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। आज का नुस्खा उन तमाम दोस्तों के लिए है जो अपने पेनिस को लेकर के परेशान हैं कि उनके पेनिस में, उनके लिंग में तनाव आना बंद हो गया है। हजारों नुस्खे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो भी इश्तिहार देखा है वही दवाई उन्होंने ऑनलाइन मंगाई है, लेकिन मामला वही का वही है, कुछ उसमें इफाका और फायदा नहीं हो पाता है। बड़े परेशान हो जाते हैं और उनके अंदर तनाव आना बंद हो गया हो तो आज का नुस्खा आप गौर से देखेंगे कि मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये काले तिलों का तेल है, काले तिलों का तेल, और अगर काले तिलों का तेल भी पेनिस पर यूज किया जाए तो उसमें शक्ति लाने के लिए काफी हो जाता है, लेकिन सोने पे सुहागा करके, ताकि हर वो आदमी जो निराश हो चुका है और मायूस हो चुका है उसके पेनिस में तनाव ला करके छोड़ना जरूर है। सबसे पहले हमें ये काले तिलों का तेल लेना है। बाजार से आपको मिल जाएगा लेकिन लोकल मिलेगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो असली बनवा करके या निकलवा करके देगा। आजकल मशीनें उपलब्ध हैं डायरेक्ट जड़ी बूटियों का तेल निकालने के लिए, बहुत अच्छा तेल होता है। ये कूट कड़वा है, कुस्त तल्ख इसको हिकमत में कहते हैं, कूट कड़वे के नाम से आपको मिलेगी, लेकिन असली लेना। अगर आप असली नहीं लेंगे तो नुस्खे में मजा नहीं आएगा। काले तिलों का तेल, कूट कड़वा, ये ईरानी अकरकरा मोटा वाला, बारीक अकरकरा लेंगे। बहुत सारी वीडियो में मैं आपको अपडेट कर चुका हूं कि बारीक अकरकरे से आपको फायदा नहीं होने वाला, ईरानी अकरकरा आपको लेना है। ये लेना है मखमली घोड़ा, इसको मखमली घोड़ा कहते हैं, और ये मैं आपको दिखा दूं इसका साइज कितना बड़ा होता है। ये इसका साइज होता है मखमली घोड़े का। अब आपको शायद पंसारी के यहां पर इस नाम से न मिल सके, इसका मशहूर नाम बीर बहुटी है, बीर बहुटी। मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि बिनोले की बना करके दे दी जाती है, असली नहीं मिलती। दवाइयां अगर असली नहीं मिलेंगी तो मजा नहीं आएगा। मैं खीरा ककड़ी से आपका इलाज करने वाला नहीं हूं कि खीरा ककड़ी का जूस पी लो तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मुकम्मल नुस्खा है मखमली घोड़े का। तो इसमें 25 ग्राम लेना है मखमली घोड़ा यानी बीर बहुटी, और 20 ग्राम लेना है अकरकरा, और 20 ग्राम लेना है कूट तल्ख, कूट तल्ख, और 100 ग्राम लेना है आपको ये काले तिलों का तेल। पहले मखमली घोड़े को इसमें डाल करके घोटेंगे, अकरकरा को मोटा मोटा कूटेंगे और कूट तलख को भी मोटा मोटा कूट करके इसमें मिला लेंगे। इसकी घुटाई करने के बाद में तिलों के तेल में इसे डाल देंगे और हल्की आंच पर इसको लगभग 10 मिनट पकाएंगे। ये तेल तैयार हो गया है, बहुत बेहतरीन तिला तैयार हो गया है। इसके लगाने से आपके पेनिस की नसें जो मुरझा गई थी, जिनमें जान आनी बंद हो गई थी और पेनिस थुलथुला रहता था, ढीला रहता था, अब नहीं रहेगा। बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा, आप देख लेना। लगभग आप इसको लगाइएगा 40 दिन, 40 दिन में आपका पेनिस तड़तड़ा करके उठने लगेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। ये बहुत प्यारा नुस्खा है, आप इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। लुकमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक दूसरा चैनल आपको लुकमानी आयुर्वेदा के पेज पर यूनानी आयुर्वेदा नज़र आ रहा होगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जैनवन नुस्खे आपको पेश करता रहूँगा ताकि आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, आपकी लाइफ बदल जाए और आप बेफिक्र होकर अपनी शादी करें और शादी में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बस यही दुआ है मेरी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।